Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? One light from a point source is incident on it. पॉइंट सोर्स से आ रहा है और वो इंसिडेंट होगा उस पे, अब क्या बनाएगा पैरेलल, तो इसका तो आंसर वही हो जाएगा कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा ये दिखो दिखो आस्था वो जो सेकंड वाला होगा ना ये थोड़ा सा उल्टा होगा लेंस। देखो यहाँ कॉन्केव मिरर अगर हम लोग लेते हैं ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, मान लो कि फोकस पे है कोई पॉइंट सोर्स, इससे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक किया, ये स्ट्राइक किया, तो ये क्या बन जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पढ़े थे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस होते हुए जाता है इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का भी देखेंगे। सी अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में देखे फिर से हम लोग वही लेंगे एफ वन से, ये क्या बन जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, ड्रॉ योर डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करो नहीं तो फिर क्लास में डिस्कशन होगा। अरे तो एक कॉपी है, हो गया। जिसका सही वो टिक करते चलना। सेकंड देखो रब करें बनाए बेटा, गल क्यों दिख रही है, तबीयत से नहीं है, डांट कर यार हम बोला नहीं तो फिर हम तो बाहर चले। आपकी कुछ लाई है खाने के लिए, इसीलिए इसीलिए बच्चा का पेट नहीं भरा हुआ है। चल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। अच्छा रियर व्यू मिरर कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है सर ना। अब कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन वन वी बाय टू। उसका वी क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का, हाँ तो करो उसके बाद बताओ मुझे क्या होगा। और सब बुक देना इलेक्ट्रिसिटी भी दे देगा, पढ़ा चुके हैं ना, देंगे क्या इस बार इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड का आंसर जल्दी बताओ।
कॉन्वेक्स मिरर है क्या हो जाएगा स्योर ना क्योंकि उसका जब भी बनेगा कहाँ पे बनता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो बनता है ना बिटवीन पी एंड एफ बनेगा कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को लिए पहला पैरेलल ये अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस दूसरा पोल इधर आएगा ये इधर गया कहाँ पे मिला ये क्या है कम है तो लेसन वन ही होगा लेसन अच्छा रे फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर Where should an object be placed so that size of image is equal to the size of the object? 30 centimeter. एक्सप्लेन करना है ना तो 30 क्यों होगा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो संख्या का विषय 30 क्यों होगा F15 क्यों हो रहा है सन देव का पैरेलल है ये सही रीजन हुआ ये सही रीजन हुआ मतलब आरती कहाँ सोच रही है तुम वो छोड़ो ना पहले एफ वही होगा ये समझना अगर वो एफ होगा तब ना सी तुम बोलेंगे दैट इज 30 सेंटीमीटर अरे गधा हम क्या कहना चाह रहे हैं बोले तुमको एफ तो पता होना चाहिए एफ कितना है तभी तो तुम 2F लेकर के आएगी तुमको ये पता नहीं कि ऐप क्या होगा तो तुम 2F कहां से लेकर के आएगी बात आ रही है समझ में तो तुम्हारे पास क्या लॉजिक है सन को हम लोग क्या मानते हैं डिस्टेंस एट इंफिनिटी ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी यही मानते हैं ना ये सोचो बेसिक है ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी मतलब पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा और पैरेलल रे ऑफ लाइट किधर से जाता है फोकस से ये कह रहा है कि इमेज बना रहा 15 सेंटीमीटर मतलब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आएगा 30 सेंटीमीटर ऐसे लॉजिक लगाना है समझ में आया डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है सन है तो सन को क्या मान के चलेंगे इंफिनिटी इंफिनिटी से जब भी रे ऑफ लाइट आता है कहाँ पे पैरेलल तो ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो दे मीट एट अ पॉइंट दैट इज एफ तो फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर तो सी कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर क्योंकि हमको एक चीज पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम ऑब्जेक्ट बनेगा सेम साइज का इसी कितना आ गया 30 सेंटीमीटर इज दिस क्लियर गुड मुझे ऐसे आंसर चाहिए पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बैठो थर्ड अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस क्या वहां पे लेंस दिया हुआ है ऑप्शन में कॉन्वेक्स मिरर में तो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिग्री देख ही तो बनता है रे क्या कर रहा फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम अ बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग तुम्हारे इतना बड़ा प्लेन मिरर होता है जो तुम्हारा दिखा देता है टोटल पंखे मिरर से नहीं दिखेगा क्यों सी पे रखोगे तो नहीं उतना बड़ा मिरर जरूरत ही नहीं उतना बड़ा मिरर लगेगा C
सी पैदल उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा वो मिलेगा, क्या करते हो सी करेगा तो उतना बड़ा सेंटर नहीं चाहिए, सी पे उस ऑब्जेक्ट को रखो, वो जो लेंस है ना, वो जो मिरर है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उस ऑब्जेक्ट को रखो, उसका फुल लेंथ मिलेगा। तो बोथ कॉन्केव एज वेल एज प्लेन मिरर, ठीक है मेरा कितना बड़ा, उससे भी मतलब नहीं, वो तो उतना बड़ा सी ले लो और क्या। अच्छा सोचो ना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, कोई टॉर में दिख रहा, प्लेन मिरर पे तुम्हारा दिख रहा है नहीं दिख रहा, पूरा दिखता है ना, तो फिर क्या हम लोग उतना बड़ा मिरर लेते, पूरा बिल्डिंग को देखने के लिए हम लोग उतना बड़ा मिरर ले रहे हैं, तो डिस्टेंस बढ़ा देते नेक्स्ट In torches, searchlight and headlight of vehicles, the bulb is placed. Bulb कहाँ पे placed होता है? Between pole and पक्का? बताओ मुझे, bulb को कहाँ place करते हैं? फोकस होगा, फोकस क्योंकि फोकस पे अगर तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो ले ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा और वो क्या बन जाएगा, पैरेलल बिटवीन पी एंड एफ नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, एट एफ रखेंगे। The laws of reflection hold good for किसके लिए होगा, all mirrors, laws of reflection spherical रहे या planes रहे दोनों के लिए होता है। Question number 7, ये diagram दिया हुआ है, is correct for the ray of light is incident on concave mirror, सही है। Question number 8 पढ़ो तो, a child is standing in front of a magic mirror. She finds an image of her head bigger, the middle portion of her body of the same size, and that of legs smaller. The following is the order of combination. Kya hoga? Concave, plane, or convex? Same. Nine. No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be Aditya Jaiswal. Question number 9 का आंसर दीजिए और लॉजिक बताइए मुझे। Nine. समझ में आ रहा ना सारा एक्सप्लेनेशन? हाँ। सर प्लेन नहीं तो कॉन्वेक्स होगा। प्लेन नहीं तो कॉन्वेक्स होगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़, क्वेश्चन समझा मुझे। होगा वर्चुअल एंड इलेक्ट और कॉन्वेक्स भी ऑलवेज क्या होता है, वर्चुअल एंड इलेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। लास्ट खड़े हो आरती, आरती तो हो गई थी, आस्था 10 नंबर संदेश नहीं बना, किसी से बना क्या ये क्वेश्चन,
क्या कर रहा है स्टूडेंट डिटरमाइंस द फोकल लेंथ ऑफ अ डिवाइस एक्स फोकल लेंथ ऑफ अ डिवाइस एक्स बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिवाइस ऑन द सेम साइड एज़ द ऑब्जेक्ट ये कह रहा है कि कोई डिवाइस एक्स है इसपे अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अगर कर रहे हैं तो ये फोकस कर रहा है 20 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द डिवाइस और स्क्रीन कहाँ पे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्रीन कहाँ पे है 20 सेंटीमीटर यही क्या हो जाएगा फोकल लेंथ हो जाएगा समझ में आया अब कर रहा है द डिवाइस एक्सिस कॉनकेव मेजर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सेम साइड में कौन कन्वर्ज करता है कॉनकेव मिरर करता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रहा है दैट मींस पैरेलल वेव अप्लाई कर रहा है स्क्रीन प्लेस मतलब वैसा चीज जिसपे की आपका इमेज फॉर्म हो स्क्रीन पे वही इमेज फॉर्म हो रहा है ना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पैरेलल वेव अप्लाई कन्वर्ज करेगा फोकल लेंथ पे मतलब फोकस पे और वही पे आपका क्या रखा होगा स्क्रीन रखा समझ में आया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर So 1 to 20, 10 MCQ complete. यही दिए थे ना? कोई डाउट किसी को? जो भी डाउट था क्लियर हो गया? किसका 100% सही हुआ? ये वाला क्वेश्चन छोड़ दे गया. ये वाला क्वेश्चन छोड़ दे गया. एक और था. बाकी 9 सही है. गुड. नेक्स्ट क्या दिए थे? सर, देखते हैं सर सर एंड अभी आप लोगों का डीपी हॉलीडे होमवर्क जो है ये टोटल पीवाईक्यू रिमेनिंग पार्ट अब इसमें है या नहीं देख लेना नहीं है चलो देखो एसर्शन एंड रीजन जो है ना आजकल काफी हॉट टॉपिक हो गया है सीबीएसई के लिए वो एसर्शन रीजन देता है और आपको कंफ्यूज करता है डोंट ट्राई टू बी कंफ्यूज ये क्वेश्चन देखते हैं समझ में आ जाएगा ठीक है चलो यहाँ पे देखो पहला कह रहा है एज असर्शन आर इज द रीजन ए आपका क्या होगा असर्शन होगा आर क्या होगा रीजन पहला जो ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बोथ बी जो है आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स और ये सब जो भी है पहला 24 नंबर देखते हैं पहला Assertion, क्या है प्लेन मिरर में फॉर्म रियल इमेज पहला तो गलत हो गया भाई फॉल्स हो गया प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज रियल ऑब्जेक्ट रियल है उसका वर्चुअल इमेज बनाएगा बात सही कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे ऑप्शन डी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू सर ए प्लेन मिरर असर्शन गलत है प्लेन मिरर कब से बनाने लगा रियल इमेज आरती समझ में आया कैसे स्टिक करेंगे इसमें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है इसको समझना हो दूसरा 25 नंबर चेक कीजिए द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड इन वाटर द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ इज इक्वल टू एफ बाय आर ये तुमको नहीं समझ में आया द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड इन वाटर ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि फोकल लेंथ वाटर में होता ये तो फॉल्स कहीं से कुछ ट्रू है नहीं अब फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस आर ये सबके लिए ट्रू है तो अगेन डी इज दैट इज करेक्ट 26 द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज सर्टेनली रियल If the object is virtual, सही है। Object अगर virtual है, तो image real होगा। नहीं गलत। Certainly real। समझ रहे हो? The image formed by concave mirror is certainly real if the object is virtual. Image real होगा अगर object आपका क्या है? Virtual है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि 11th 12th में जाके बताते हैं कि इस मीडियम से अगर रे ऑफ लाइट आ रहा है तो ठीक है लेकिन वो भी आपका क्या होता है मिरर नहीं
वो स्फेरिकल सरफेस होता है. तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, असर्शन रॉन्ग हो गया. द इमेज फॉर्म बाय क्वांटम मिरर इज सर्टेनली वर्चुअल, ये तो हो ही गया. इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल, सर्टेनली वर्चुअल ऐसा नहीं है. क्या ऐसा है? अरे 26 को x x मान डालो, 26 को डालो, हम देखते हैं एक्सप्लेन करेंगे. 27 देखते हैं. An object is placed at a distance of f from a convex mirror of focal length f. Its image will form at infinity. The distance of image in convex mirror can never be infinity. क्या होगा इसका? Convex mirror ले रहा है. ये सोचो. रीजन टू है, एक्सेप्शन फॉल्स है. रीजन टू है और एक्सेप्शन क्या है? फॉल्स है. 28. A ray of light incident along the normal to the plane mirror retraces its path after reflection from the mirror. True. यही होगा ना? प्लेन मिरर पे अगर तुम परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कराते हो तो वो रिटर्न बैक होता है सेम पाथ में. तो ये तो प्रूव हो गया सर. सर यहां पे क्या कह रहा है? एरिया ऑफ लाइट अलोंग द नॉर्मल हैज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एस पाई बाय 2 एंड हेंस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई बाय 2. एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है. ऑप्शन सी होगा. ए ट्रू यू आर फॉल्स. कहां तक दिए थे इसको? 29 देखो. समझ में आया? 28 तक. yes. कोई डाउट है? 13 देखा है. बीच में देखो ताकि सब देखते हैं. सर वहां शिफ्ट कर बीच में. उधर दो दो पी वाई की वाला कितना पी वाई की होता? दो है ना. चल बीच में शिफ्ट कर. चलो तुम इधर आओ. अब ठीक है सर. 24 और 29 ये तो सेम ही होंगे. 30 देखो. द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू. एस्ट्रिक्स मार जाओ. ये कुछ गलत है. वेरी शॉर्ट आंसर. 35% द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू एफ. वेरी शॉर्ट आंसर. 35% ना. कहां से कहां तक? 35 to 40. चलो यस पांडे खड़े हो. 35 नंबर को डिपेंड कीजिए. ये तो सब एक्सप्लेन करेगा. ये हमको नहीं बता सर. जो एक स्ट्रेट लाइन होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है. बहुत मारेंगे आधा दूरा मत बोल. आधा दूरा नहीं, टोटल आंसर सही मुझे. आदित्य खड़े हो. हाँ. The straight line passing through center of curvature to pole is called principal axis. Center of curvature and pole. ठीक है. Center of curvature और pole के साथ जो line cross करेगा touch करते हुए. That is. Center of curvature. हाँ. Through pole and center of curvature. Through center of curvature and pole जो भी करने का सब. कोई दिक्कत नहीं आती. तुमको उल्टा चलना ठीक है. सही है. यश पांडे गलत है. यश पांडे एक और ऑप्शन है आपके पास. व्हाट इज वर्चुअल इमेज? तुम कहीं जाते थे
सर प्लेन पहले क्या कर रहा है अर्थ इवेंट दैट कैन नॉट बी फॉर्मड ऑन वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमेज कैन बी हैंडल्ड दैट कैन वो अपने कॉपी में देखे थे मार्क्स क्यों डिडक्ट हुआ था मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था थोड़ा बढ़ा ना उसको इट इज ऑलवेज वर्चुअल तो इट इज ऑलवेज इरेक्ट ठीक है ये सब बहुत थोड़ा सा बट डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर उनको बैठने के लिए क्या बोले भाई ऑल द डेज पावर टू प्रिंसिपल एब्सेंट आफ्टर गेटिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल लेट अप दैट पॉइंट इज ऑन द प्रिंसिपल एब्सेंट दैट पॉइंट इज वेरी गुड बोल ना पावर ने अप्लाई कौन लेकर गया था अनीस पावर ने अप्लाई कौन लेकर गया था तुम ही ना लाए रे तुम बैठो पड़ गया अभी आरती उठेगी लाइक टू डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एज अ शेविंग मिरर एज अ शेविंग मिरर शेविंग मिरर और रिफ्लेक्टर ऑफ अ कंसंट्रेटेड लाइट और बार्बर इट इज आल्सो यूज्ड बाय द बार्बर फॉर ड्यूइंग बैक पोर्शन आई यूज व्हाट डू मीन बाय लैटरल इन्वर्जन ऑफ द इमेज इन mirrors lateral inversion you know what is lateral inversion chalo ek cheez aapko dikhate hain shayad tum logo ko nahi pata hoga phir bhi dekho matlab left ko right mein right box ka just to aa left yehi hota hai na iske liye ek concept hai ek concept kya hai yahan pe dekh concept ye hai ki jab hum plane mirror ka baat karte hain तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट है ना अच्छा ऑब्जेक्ट जो फॉर्म होगा इसका इमेज सेम साइज का होता है ये ए बी है ए डैश बी डैश याद रखना ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ए बी होगा बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है लैटरल इन्वर्जन अब देखो लेट्स सपोज हम क्या लिए एक प्लेन मिरर लिए और हम एक ऐसा लाइन ए और बी ठीक है यस पांडे यहाँ आइए और बताइए इसका लैटरल इन्वर्जन कैसे बनेगा प्लेन मिरर तो इसका इमेज कैसा फॉर्म होगा ऐसे क्यों है एक्सप्लेन मिरर हमको ऐसे मत देखो ऐसे देख रहे क्या हम कर रहे हैं चेक क्योंकि यहाँ मतलब लेफ्ट राइट में हो जाता है और राइट लेफ्ट में हो जाता है अच्छा कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट है हमको तो समझ नहीं आ रहा अरे सर इसका मतलब ये क्या बता रहे हैं डिस्टेंस होता है डिस्टेंस सेम होता है तो ए ऑब्जेक्ट का जो ए है तो वो जेनरेट से कितने डिस्टेंस पर है ए डैश भी उतने डिस्टेंस पर होगा और फिर बी कितने डिस्टेंस पर बी डैश भी उतने वेरी गुड वेरी गुड इधर देखना ये एक मिनट में बंद होगा जब बंद होगा बता दें ठीक है इधर आरती ये डिस्टेंस इतना है बेटा उतना ही डिस्टेंस इधर होगा मतलब बीडेस यहाँ पे बनेगा ये जितना डिस्टेंस है वो भी इतना ही डिस्टेंस पे होगा मतलब बीडेस समझ में आ गया दिस इज फॉर लैटरल इन्वर्जन नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ आई यू साथी के लिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका वेट करता हुआ व्हाट आर द टू फैक्टर्स ऑन व्हिच द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इमर्जेंट रे फ्रॉम अ ग्लास स्लैब डिपेंड्स पॉसिबल
निकिता थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, चलो क्या कर रही है। एक ग्लास स्लैब है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया और यहाँ पे इसका नंबर और चैप्टर। इसके बाद ये नॉर्मल की तरह रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि इसका मीडियम चेंज हो गया, तो ये यहाँ से शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन पूछा। इस सारे का साथ तो निकल गया ना, रेयर से डेंसर में आ गया और कितना तो पड़ा। जल्दी बना निकिता। फिर ये यहाँ पे आया, यहाँ पे ये डेंसर है और ये रेयर है, यहाँ पे फिर इसका ये बेंडिंग ऑफ लाइट किधर होगा, किधर होगा, अब एक प्रॉब्लम। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, गलत कहा, सही तो है। अब भी प्रॉब्लम नॉर्मल, हम बार बार करें, सही है, सही है, सही है। हाँ सही है, बनाई ये ऐसे रहेगा, ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। डिपेंड किस पे करेगा बेटा, पहला थिकनेस ऑफ द स्लैब, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, ये दो इम्पोर्टेंट है। तीसरा आप कर सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, हो गया तीन, हो गया। यहाँ पे कितना फैक्टर मांग रहा था बेटा, दो फैक्टर मांग रहा था, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास एंड थर्ड थिकनेस ऑफ द स्लैब। कहेगा मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो सकता है, तो जितना थिकनेस है ना उतना मैक्सिमम डिस्प्लेस हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आते हैं शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन, कौन सा डाउट था, 63। तो 63 देखते हैं। इफ द इमेज फॉर्मड बाय मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इमेज्ड, स्टेट द टाइप ऑफ मिरर, कॉन्वेक्स। एक ही कंडीशन में तो होता है, कहीं पे सिलर तो कॉन्वेक्स हो रहा है। ड्रॉ रेड आइगन सपोर्ट अपॉन आंसर, where are such mirrors commonly used and why? क्या ही दिक्कत हो गया इसमें, तो कौन सा डाउट था न्यूनिकल में, किसी को कोई डाउट था, श्योर ना, हाँ निकेता तो बना ही नहीं है, चलो बना दे। एक क्वेश्चन है, अब जो भानु आप बताइएगा, खड़े हो जाएंगे। Define one diopter of power of a lens. ये क्वेश्चन पूछा गया था ना? Yes sir. आ इसमें से भी बहुत बच्चे गलत। जैसे ही था आरती, कितना आता आरती फिजिक्स में? 27 मास कैंडिडेट। अच्छा क्या था क्या न्यूमेरिकल, तो डिफाइन करेगा क्या होगा, मीटर होता है ना, 1 मीटर होता है, ठीक। हाँ प्लीज आपके लिए क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट डज इट मीन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। बैठ जा बेटा,
बताइए हाँ, तो इसका क्या मतलब ही तो जानना है ना। यस पांडे सर, इसका जो न्यू होता है हाँ, उसको क्या बोलते हैं, न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हाँ, तो वही उसका जो वो, अरे वो दिया हुआ है डायमंड टू ग्रे है। हाँ, डायमंड टू ग्रे है, डायमंड टू ग्रे 2.42 होगा। वो तो बता ही रहा है, इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? संदेश संदेश को चेहरा देखने के लगा कि नहीं बता रहा that the speed of light from air to diamond, the speed of light diamond from air is not the diamond with respect to the air, diamond with the light they are in the air with respect to air. C by V 2.42 hai? Yes sir. Haan? So V is equal to kitna ho jayega? C by 2.42 कर या ये भी कर सकते हो C is equal to 2.42 of V, इसका मतलब क्या हो गया? The speed of light in air is 2.42 times the speed of light in diamond. Explain करना, वो सिंपल सा तो स्टेटमेंट है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? The speed of light in air is 2.42 times the speed of light in diamond. स्टेटमेंट बन रहा है, क्यों उसको कॉम्प्लिकेट करके अपना मार्क्स लूज करेगा? ठीक है, सीधा सा बात है, एयर से कंपैरिजन हो रहा है भाई, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला सी बाय बी, तो सी बाय बी इज इक्वल टू 2.42, तो सी इज इक्वल टू 2.42 बी, तो द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। खत्म का मतलब है कि डायमंड में जितना स्पीड होगा ना लाइट का, उससे 2.42 टाइम्स ज्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर यूनिट गलत हुआ तो सोच लेना बेटा। यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नो यूनिट, नो यूनिट, यूनिट कैसे होगा भाई? तू होता है, नहीं होता, अरे सी बाय वी मालूम, सी बाय वी ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड दोनों का यूनिट पता आज इसको समझ नहीं आ रहा। तुम लोगों का कोई वैक्सीन लगा है इसको? क्या हो गया? ये सुपर सुपर की करते हैं कैसे स्लीपी बाय प्रोटेक्टिव बाय आज का। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं, देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है। अरे सो वन 141 है ना, बनाए कितना हम तक अभी आप एमसीक्यू 10 बनाए? नहीं 10 बनाए ना, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितना बनाए? 5। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 4 5 मतलब 20 क्वेश्चन दिए होंगे, वो भी कितना होगा? 5 25
मतलब आउट ऑफ 140 ना आउट ऑफ 141 आप 25 बना चुके हैं. इज इट पॉसिबल टू यू कि आप 115% बना ले? नहीं, मेरा जो क्लास होगा वो आपका मंडे को ही होगा, मतलब 10th को होगा. तो एमटी है, बीच में एक भी नहीं होगा, 10 को एमटी है.